वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका सारडा। अमृता सिंह एक ऐसा नाम जिसका नाम अब किसी दूसरे नाम के साथ जोड़कर ही लिया जाता है, जैसे सिम्बा एक्ट्रेस सारा अली खान की मां अमृता सिंह या फिर सैफ अली खान की पूर्व पत्नी अमृता सिंह। अमृता सिंह का नाम आज भले ही फिल्म इंडस्ट्री में उतना मशहूर ना हो, लेकिन अपने टाइम में करीब हर एक सुपरस्टार के साथ अमृता काम कर चुकी हैं। अमृता ने फिल्म चमेली की शादी से अनिल कपूर के साथ फिल्मी डेब्यू किया, तो वहीं फिल्म मर्द में अमिताभ के अपोजिट दमदार किरदार निभाकर फिल्म में जान डाल दी। अमृता सिंह की स्टारडम उस वक्त ऐसी थी कि सैफ अली खान भी उनके प्यार में कैद हो गए। आगे चलकर दोनों ने शादी की, परिवार बनाया और फिर तलाक ले लिया। कहने को अमृता सिंह की सिर्फ इतनी ही पहचान है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अमृता सिंह एक ऐसी महिला की बेटी है जिससे कभी दिल्ली के मुसलमान खौफ खाते थे। देश की प्रधानमंत्री तक उनसे बात करती थी। उनका नाम था रुखसाना सुल्तान। 25 जून को साल 1975 में आपातकाल का ऐलान हुआ था। जब जब इमरजेंसी का जिक्र आता है तो जिक्र आता है रुखसाना सुल्तान का। रुखसाना सुल्तान का ये रसूख संजय गांधी की वजह से था। रुखसाना सुल्तान इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की बेहद करीबी थी। राशिद किदवई की किताब 24 अकबर रोड के मुताबिक रुखसाना संजय गांधी की इतनी खास हो गई थी कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उनके आगे पीछे घूमा करते थे। कहा यह भी जाता है कि रुखसाना के चलते कई बार इंदिरा, संजय और मेनका गांधी में विवाद भी हुए थे। विवाद आए और गए, लेकिन रुखसाना का रुतबा बरकरार रहा। इमरजेंसी के समय संजय गांधी के लिए सबसे अहम था परिवार नियोजन। उनका मानना था कि जिस आबादी को देश की सारी समस्याओं की जड़ बताया जा रहा है, उस पर अगर वे लगाम लगा देते हैं तो तुरंत ही देश और दुनिया के लिए वे एक प्रभावशाली नेता बन जाएंगे। संजय गांधी इस काम की शुरुआत राजधानी दिल्ली और उसमें भी पुराने दिल्ली से करना चाहते थे। उस समय नसबंदी के बारे में कई भ्रांतियां थी। मुस्लिम समुदाय में ये अफवाह उड़ती थी कि ये उनकी आबादी को कम करने की साजिश है। संजय गांधी को लगता था कि अगर उन्होंने शुरुआत में ही इस अभियान को सफल बना दिया और वह भी मुस्लिम समुदाय के बीच, तो पूरे देश में एक असरदार संदेश जाएगा। संजय गांधी ने रुखसाना सुल्तान को नसबंदी कार्यक्रम का जिम्मा सौंपा। उन्हें 8000 मर्दों को नसबंदी के लिए मोटिवेट करने की जिम्मेदारी दी गई। तब के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रुखसाना ने रिकॉर्ड 13000 लोगों की नसबंदी करवाई थी। आलम यह था कि दिल्ली के जामा मस्जिद और तुर्कमान गेट के आसपास के इलाकों के मुसलमानों के लिए रुखसाना किसी खौफ के साये से कम नहीं थी। देखते ही देखते पुरानी दिल्ली में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली रुखसाना सुल्तान इमरजेंसी में संजय गांधी की सबसे खास सिपाही बन गई थी। एक इंटरव्यू में रुखसाना ने खुद बताया था कि वो एक कार्यक्रम में संजय गांधी से मिली थी। उन्होंने संजय से पूछा था कि वो पार्टी के लिए क्या कर सकती है। संजय ने उन्हें कहा कि वो मुसलमानों को नसबंदी करवाने के लिए राजी कर सकती है। जल्द ही रुखसाना ने अपना काम भी शुरू कर दिया। वे पुरानी दिल्ली के घर घर जाकर लोगों को नसबंदी के फायदे समझाती। उन्होंने इस इलाके में 6 नसबंदी के कैंप भी शुरू कर दिए थे। अपनी किताब द संजय स्टोरी में विनोद मेहता याद करते हैं कि कैसे उस दौर में एक खबर पर काम करते हुए वे जामा मस्जिद के आसपास वाले इलाकों में लोगों से मिले थे, जिसमें नसबंदी के कार्यक्रम को लेकर बहुत गुस्सा था। आलम यह था कि रुखसाना की कार को देखकर लोगों की रूह सूख जाती थी। लोग रुखसाना पर जबरन नसबंदी करवाने के आरोप लगाते थे, लेकिन संजय इसे नहीं मानते थे। नसबंदी के काम को सफलता से अंजाम देने के बाद रुखसाना संजय गांधी के करीबी बन गई। संजय गांधी के गैंग फोर में जगदीश टाइटलर, कमलनाथ, सज्जन कुमार के साथ रुखसाना अकेली महिला थी। रुखसाना के रुतबे का आलम यह था कि बड़े बड़े नेता और व्यापारी लाइसेंस लेने के लिए रुखसाना की जी हुजूरी करते थे। उस वक्त मीडिया ने रुखसाना को इमरजेंसी की चीफ ग्लैमर गर्ल जैसे नाम दिए थे। रुखसाना ने एक सैन्य अधिकारी शिविंदर सिंह से शादी की
जो कि दिग्गज पत्रकार और लेखक खुशवंत सिंह के भतीजे थे। अमृता सिंह उन दोनों की ही बेटी थी। तो ये था इमरजेंसी से जुड़ा हुआ जनसत्ता का एक किस्सा। इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें जनसत्ता को।